नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर पुनः निर्णय अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। अब इसके पहले हमने आपको बताया था कि बच्चे में भाषा का दोष कैसे उत्पन्न होता है, वे दोष कौन कौन से हैं, और दो दोष हमने आपको बता दिया, मातृभाषा से संबंधित दोष और दूसरा दोष महाप्राण की ध्वनियों से संबंधित दोष। अब लेके चलते हैं दोस्तों वर्ण विपर्यय या शब्द विपर्यय दोष। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि वर्ण विपर्यय, विपर्यय का क्या अर्थ होता है, विपर्यय का अर्थ दोस्तों आपको बता दें अदला बदली होता है। जब बच्चा बोलते समय या लिखते समय शब्दों या अक्षरों की अदला बदली करके बोलता है या फिर लिखता है तो दोस्तों याद रखिएगा वहां पर वर्ण विपर्यय या शब्द विपर्यय दोष होता है। जैसे आप देखे होंगे बहुत से बच्चे रोते हुए कहते हैं हमें जबेली चाहिए, अर्थात जलेबी चेंज इनटू जबेली। अब देखें आप यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है, जलेबी को जबेली कह रहा है। जैसे आप बहुत से मजदूरों से सुने होंगे कि भैया दिन भर मेहनत किए थे, अर्थात वह मजदूर क्या कह रहा है, मेहनत नहीं मेहनत। गांव के लोगों को आपने अक्सर सुना होगा कि बॉक्स को बक्सा कहना चाहिए लेकिन बसका कहते हैं, वैसे ही कुछ लोग रिक्शा को रिस्का कहते हैं। तो यह भाषा में किस टाइप का दोष है दोस्तों, वह भाषा में दोस्तों आपको बता दें वर्ण विपर्यय दोष है, क्योंकि यहाँ पर देखें आप दोस्तों वर्णों की क्या की जा रही है, अदला बदली की जा रही है। देखें यहाँ पर आप दोस्तों कि बच्चा क्या करता है, वर्णों की अदला बदली कर दिया, इसलिए यहाँ कौन सा दोष, वर्ण विपर्यय दोष। यहाँ पर देखें मेहनत नहीं मेहनत कह रहा है, इसलिए भी यहाँ पर कौन सा दोष, वर्ण विपर्यय दोष। आप देखे होंगे कि बहुत से बच्चे लिखते समय शब्द विपर्यय दोष बहुत करते हैं। जैसे कोई बच्चा लिखते समय यदि कह रहा है कि एक फूल की माला दो, या लिखते समय या बोलते समय, तो एक फूल की माला कभी बन ही नहीं सकती, आप जान रहे हैं सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए इसका सही आंसर होगा फूलों की एक माला। इसका मतलब यहां पर शब्द विपर्यय है। इसी तरह से जैसे भैंस का गर्म दूध पियो, इसको बोलते समय लोग कह देते हैं कि गर्म भैंस का दूध पियो, तो क्या हुआ, शब्दों की अदला बदली हुई, शब्दों की अदला बदली क्या कहलाता है, शब्द विपर्यय। तो ऐसी दशा में अगर बच्चे इस दोष से ग्रसित हैं तो सबसे पहले आप बोलते समय ऐसे सिमिलर वाले शब्दों को जो आगे पीछे करके बोल रहा है, ऐसे शब्दों को आप इंडिकेट कीजिए, चिन्हित कीजिए, और ऐसे शब्दों को या अक्षरों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दें। और ध्यान रखिएगा जब विचारों में तीव्रता होती है तो भी यह दोष बहुत उत्पन्न होता है, अर्थात लिखते समय जैसे हम बहुत जल्दी से या बोलते समय बहुत जल्दबाजी में लिखें या बोलें तो भी अचानक क्या होता है, जल्दी से क्या होता है, आगे का वर्ण पीछे, पीछे का वर्ण आगे आ जाता है, इस तरह से भी यह दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसी दशा में आप धैर्य के साथ बच्चों को इनको बोलने के लिए और अक्षरों को विशेषतः ध्यान में रख करके बोलने के लिए कहेंगे, तब जा करके बच्चे में भाषाई दोष क्या होता है, दूर होता है। इसके पश्चात दोस्तों लेके चलते हैं नेक्स्ट दोष की तरफ, जैसे अनुनासिक या अननुनासिक ध्वनियों से संबंधित दोष। अनुनासिक या अननुनासिक ध्वनियों से संबंधित दोष, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुनासिक का पहले मतलब आप जाने, अनुनासिक अनु मतलब भी पीछे, बाद में या पश्चात, अर्थात बाद में, नासिक मतलब नासिका से, जब बोलते समय बच्चा क्या करे, मुख के साथ साथ उसकी वायु बाद में नासिका से भी निकले, तो वहाँ कौन सा दोष होता है, अनुनासिक ध्वनियों से संबंधित दोष। और जो अनुनासिक ना हो इसका उच्चारण केवल मुख से होता है
और इसका उच्चारण मुख के साथ ही साथ दोस्तों नासिका से भी होता है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। और जिन ध्वनियों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और दोस्तों यह बात आपको बता दें कि यह दो कारणों से भी होता है, जन्मजात रूप में भी हो सकता है और भाषाई प्रयोग ठीक ढंग से न कर पाने के कारण भी होता है। जैसे आप वर्तमान समय में कहेंगे नहीं, लेकिन कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे आप कुछ गायक देखे होंगे फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे मनोज तिवारी को देख लीजिए आप, जैसे हिमेश रेशमिया को देख लीजिए आप, जैसे आप जो है एक आतिफ असलम हैं उनको देख लीजिए आप, ज़्यादातर ये बोलते समय क्या करते हैं, जिन वर्णों का जिन ध्वनियों का उच्चारण केवल मुख से होता है उनका उच्चारण वो मुख और नाक दोनों से करते हैं। जैसे दोस्तों हम आपको पते की बात बता दें, जैसे हिमेश रेशमिया ही गाते हैं तो कहते हैं ओ हुजूर नहीं होता है, ओ हुजूर होता है, तेरा तेरा नहीं तेरा तेरा, इस तरह से भाषाई दोष उत्पन्न होता है। और दोस्तों आपको बता दें यह दोष एक कारण से और उत्पन्न होता है, जैसे जन्म से ही ओष्ठ कटे हों तो बच्चा ऑलवेज जो केवल मुख से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं उनको मुख और नाक दोनों से बोलेगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कोई भी बच्चे का अगर ओष्ठ कटा हुआ है तो मुख के साथ साथ नाक से अवश्य बोलेगा। जैसे आपको बता दें, जैसे कहेगा कि चलिए भैया जी आम के पीछे पीछे हम भी चलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चा भाषाई दोष से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि अननुनासिक ध्वनियों को जिनको केवल मुख से बोलना चाहिए उनको मुख के साथ साथ नासिका से भी वह बोल रहा है। इस तरह से दोस्तों याद रखिएगा, वह बच्चा अनुनासिक या अनुनासिक ध्वनियों से संबंधित दोष उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसी दशा में बच्चे में भाषा का विकास कैसे करें? तो सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसे बच्चे नर्वस होते हैं, हीनता की भावना प्रबल होती है, जल्दी हतोत्साहित होते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अच्छे भाषिक वातावरण का निर्माण करें, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, सहानुभूति एवं स्नेह का व्यवहार करें, तब जा करके बच्चे बोलने के लिए तैयार होंगे। और जब बोलेंगे तो धीरे धीरे उनके भाषाई दोषों को दूर करें आप और बोलने के लिए पर्याप्त अवसर दें, धीरे धीरे वे अपने स्वरयंत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों पांचवा दोष जो आता है वह आता है स्वर लोप या वर्ण लोप दोष। आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते समय क्या करते हैं, स्वरों को या वर्णों को लोप करके अर्थात उसका लोप करके बोलते हैं। जैसे आपको बता दें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई भी बच्चा बोलते समय क्या कह रहा है, जैसे हम कह दें बोलो बेटा क्षत्रिय, तो कहता क्या है पंडित जी क्षत्रिय, तो यहाँ क्या हुआ, वर्णों का लोप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय जैसे इतने बड़े वर्ण को ध्वनियों को बच्चा किस में बोल रहा है, क्षत्रिय कह रहा है। इसी तरह से दोस्तों हम जैसे कह दें परमेश्वर, परमेश्वर को बच्चा परमेश्वर कह रहा है तो भी यह भाषाई दोष है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, परमेश्वर को कम वर्णों में कन्वर्ट करके बोल रहा है। इसी तरह से दोस्तों जैसे ईश्वर को ईश्वर कहना ये भी इसी टाइप का दोष है। इसी तरह से दोस्तों ये जो भी दोष आते हैं, जैसे कोई बच्चा बोलते समय अमृत को अमृत कहता है, तो देखें दोस्तों आप रि अर्थात स्वर का लोप करके वह व्यंजन में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से स्वर लोप दोष हुआ। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर वर्णों का लोप हुआ इसलिए वर्ण लोप दोष, और इस टाइप का दोष स्वरों का लोप हुआ इसलिए क्या हुआ, स्वर लोप दोष। जैसे एग्जाम में आपके प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे कोई बच्चा बोलते समय अमृत को अमृत कहता है या फिर क्षत्रिय को क्षत्रिय कहता है तो बच्चे का यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है, और एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो देख रहे हैं आप कि बच्चा क्या कर दे रहा है, अक्षरों को कम कर दे रहा है। तो ऐसी दशा में ठहराव की स्थिति बहुत जरूरी है, आराम से बोलने के लिए कहिए, धैर्य से बोलने के लिए कहिए, तब बच्चा जाकर के आराम से बोलेगा। और आराम से बच्चा तभी बोलेगा जब उसके साथ आप मित्रवत व्यवहार करेंगे, अन्यथा बच्चा हतोत्साहित होगा और बोलने में क्या करेगा, संकोच करेगा। और एक बात और याद रखिएगा, अगर बच्चा गलत बोल रहा है तो बार बार उसके बोलने की क्रिया को आप बाधित न करें, नहीं तो बच्चा हतोत्साहित होकर के खामोश हो जाएगा, फिर वह बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आता है प्रयत्न लाघव दोष, प्रयत्न लाघव दोष। दोस्तों बता दें जैसे होता है कि जल्दबाजी में
लाघव जो शब्द बना है ये लघुधन संस्कृत का अण प्रत्यय जिसे हिंदी में अप्रत्यय कहते हैं, अर्थात प्रयत्न कोशिश करने पर जब बच्चा अधिक ध्वनियों वाले शब्दों को कम ध्वनियों वाले शब्दों में परिवर्तित कर देता है तो वहाँ पर दोस्तों प्रयत्न लाघव दोष होता है। जैसे कोई बच्चा आया हमारे समक्ष और मैं फील्ड में जा रहा था, फील्ड से जा रहा था तो उसी समय बच्चा मुझे देखता है कहता है पंडित जी नमस्ते, हम पंडित जी हैं, हम पंडित जी नहीं पंडित जी हैं, तो बच्चा पंडित जी को किस में बदल दे रहा है, पंडित जी में, अर्थात बच्चा पंडित जी को पंडित जी कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जल्दबाजी के कारण वह ध्वनियों को क्या कर रहा है, कम करके बोल रहा है। तो जब बोलते समय जल्दबाजी के कारण अधिक ध्वनियों को कम ध्वनियों में कन्वर्ट किया जाए तो बच्चों कौन सा दोष दोस्तों कौन सा दोष वहाँ होता है, वहाँ पर प्रयत्न लाघव दोष होता है। जैसे बच्चा अचानक देखा फिर भी नर्वस हो जाता है, जैसे बोलते समय कहता है कि माँ सा नमस्ते, हम माँ साहब हैं, मास्टर साहब हैं, जबकि बच्चा देखते समय अचानक क्या करता है, कहता है माँ सा नमस्ते, माँ साहब नहीं मास्टर साहब हैं। जैसे देखें दोस्तों आप ये टेम्पो वाले अक्सर बोलते हैं टेसन 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 कहते हैं, जबकि होता क्या है स्टेशन होता है। तो अभी जल्दबाजी के कारण वर्णों को लोप करके बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों आपको बता दें जल्दबाजी से बोलने के कारण ध्वनियाँ गलत हो गई, इसलिए वहाँ पर भी प्रयत्न लाघव दोष है। जैसे बच्चा बोलते समय मास्टर साहब को किस में बदल दे रहा है, माँ साहब में, तो ऐसी दशा में दोस्तों आप याद रखिएगा इस बात को, बच्चे में ठहराव की स्थिति बहुत जरूरी है। अगर बच्चा ठहराव लेके नहीं बोलेगा तो इस टाइप की गलतियों को करेगा। इसलिए एक शिक्षक के रूप में आपको यही सुझाव दिया जाता है कि ऐसी ध्वनियों को अगर बच्चा बोलते समय गलत बोल रहा है तो आप ठहराव की स्थिति में धैर्य के साथ बोलने के लिए कहिए, बच्चा अपने आप सही से बोलने लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये रहा छठवां दोष। अब लेके चलते हैं आपको स्वर भक्ति दोष, सातवां है दोस्तों। जब कोई बच्चा बोलते समय क्या करे, बोलते समय स्वरों में अधिक खिंचाव करके बोले, जैसे आप देखते होंगे और जानते भी होंगे कि ये भोजपुरिया इफेक्ट में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। वहां होता क्या है, निरहु को निरहुआ, राजेंद्र को राजेंद्र, और ज्यादा बिगाड़ देते हैं तो कहते हैं राजेंद्रवा। इस तरह से आपने देखा कि जब स्वरों के साथ अधिक खिंचाव आए, अर्थात किसी ध्वनि को बोलते समय बच्चा अधिक खिंचाव लेकर के बोले, तो समझ जाइएगा वहाँ पर स्वर भक्ति दोष है। जैसे दोस्तों आपको बता दें कोई भी बच्चा बोलते समय अगर राजेंद्र को राजेंद्र को राजेंद्र कहता है या राजेंद्रवा कहता है तो समझ जाइएगा दोस्तों वहाँ कौन सा दोष होता है, वहाँ पर दोस्तों स्वर भक्ति दोष होता है। जैसे श्री बोलना हो तो बच्चा ठहराव लेकर के ज़्यादा खींच के बोल देता है, ज़्यादा खींच के बोलना भी भाषा में दोष है। और क्या कहता है बच्चा, सीरी चाचा सीरी, मतलब श्री नहीं सीरी, इसका मतलब ध्वनियों को वह खींच कर बोल रहा है और ध्वनियों को अधिक खींच कर बोलने से इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है दोस्तों। तो ऐसी दशा में यह भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चे में जो बोलने का प्रवाह हो वो न बहुत मंद हो और न बहुत तीव्र हो, क्योंकि बहुत मंद होने पर यह दोष उत्पन्न होगा और बहुत तीव्र होने पर वर्ण लोप या स्वर लोप दोष उत्पन्न होता है। इस तरह से आपने देखा कि बच्चे इस टाइप के भाषाई दोष से ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न पूछता है, और सबसे पते की बात इन सब का निवारण मैं एक लाइन में एक ग्राफ में करता हूँ दोस्तों। तो ये रहा मैटर, और इसके बाद एक बात और बता दें दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत है तो हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को आप कह सकते हैं। आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई प्रश्न आपको समस्या दे रहा है तो आप बेहिचक ऑनलाइन जब हम लोग आते हैं लाइव आते हैं तो आप हमसे अवश्य अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमारे 94 78 12 83 पर आप व्हाट्सएप करके भी अपनी राय या अपने विचार हमें दे सकते हैं, अपने प्रश्नों को सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों ये तो आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।